द्रष्टोत्तर सत्य श्री 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 माद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरणों कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोत्तर सत्य श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजुग प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हम लोग गतकल्य श्रवण कर रहे थे श्रीमान चैतन्य महाप्रभु कभी कभी गोपी गोपी नाम को कभी कभी जप करते थे। अगर कभी कृष्ण का नाम किसने अगर बोल दिया, गोपी गोपी करते करते अगर किसी ने बोल दिया, पंडित जी गोसाई जी आप गोपी गोपी क्यों कर रहे हो, अरे बोलना तो कृष्ण कृष्ण बोलो जिससे कल्याण होगा। गोपी गोपी बोलने से क्या होता है? बस इतना सुनते ही महाप्रभु को बड़ा क्रोध आता है। बोले क्या कृष्ण कृष्ण है? कहते कथाकार कृष्ण तो महादस्यु से। कहते वो कहाँ के कृष्ण है? वो महाडाकू है कृष्ण। बोले साठ धूर तक कैतव भजे बातार रेखे। ऐसे व्यक्ति को जो कपट धूर तक सठ है उसको कौन भजन करता है? बोले स्त्री जी तो है या स्त्री रखना के काट कान लुब्ध कर प्राय पाली पराण। इसलिए कहते स्त्री जीत है और हो करके क्या किया, स्त्री का नाक कान को काट दिया और उसने क्या किया, उन्होंने बाली को भी उन्होंने वध किया है। इसलिए क्यों श्री चैतन्य महाप्रभु गोपी गोपी बोल करके क्यों महाप्रभु जप करते थे? कल हम लोग ने श्रवण किया था, किया था कि इसको याद है? गोपी गोपी क्यों बोल रहे थे, क्यों गोपी गोपी बोल रहे थे? इसलिए फिर महाप्रभु कृष्ण का नाम सुनते ही कृष्ण को तरह तरह से गाली देने लग गए। क्यों गाली देने लग गए? कल हम लोग उसको श्रवण कर रहे थे। जिस समय कृष्ण ब्रज छोड़ करके कृष्ण जाते हैं मथुरा, उसी समय कैसे ब्रज गोपियां ब्रजवासी सखाएं कृष्ण विरह में बड़े दुखी हो जाते हैं। सखा लोग कहते कान्हा तू कब आओगे? बोले चिंता क्यों करता, आज जाता हूँ कल कंस को मार के परसों चले आऊंगा। इसलिए ब्रज में श्रीदाम भैया के कहते कि बंसी बैठे है, श्रीदाम भैया वहीं पर कृष्ण जब तक नहीं आएंगे तब तक हम वृंदावन वापस नहीं जाएंगे। वृंदावन जाकर हम किसको साथ में खेलेंगे, किसको साथ में गैया चराएंगे, किसको साथ में हम लड़ेंगे झगड़ेंगे। इसलिए श्रीदाम भैया कृष्ण चिंता में बैठ गए। तो वही कृष्ण जब फिर कलियुग में श्री महाप्रभु का रूप में आए, बोले सारे भैया तो है लेकिन श्रीदाम भैया कहाँ है? क्योंकि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सपार सदस्यो धाम सहबत हरि, भगवान धाम परिकरों को लेकर के आते हैं। बोले सारे सखा लोग तो आठ सखा हैं धाम वसुधाम श्रीधाम, बोले सारे सखा लेकिन इसमें श्रीदाम भैया दिख नहीं रहे। बोले देखो तो श्रीदाम भैया कहाँ, ढूंढते ढूंढते आकर के देखा बंसी बट को नीचे बैठे कृष्ण चिंता में। क्यों? कृष्ण बोल कर गया मैं परसों आऊंगा, पर कृष्ण आएंगे तो उनको साथ में जाएंगे, लेकिन उनको द्वापर युग में उन्होंने ध्यान लगाया तो कितना हो गया, कलयुग आ गया। लेकिन उसी ध्यान में कृष्ण चिंता में वो बैठे हुए हैं, कृष्ण चिंता में बैठे हुए। उसी तरह संपूर्ण ब्रजवासी कृष्ण विरह में बड़े दुखी, नंद जसोदा ग्वाल बाल सखा सबके सब दुखी है, सबके सब दुखी। इतने में जब उद्धव जी ब्रज गोपियों के साथ में जब उद्धव जी मिलते हैं, कृष्ण जब उद्धव जी को भेजा जब ब्रज गोपियों के साथ में मिलते हैं, गोपियों ने ऐसे ऐसे प्रश्न किया कि उद्धव जी को, उद्धव को एकदम चुप करवा दिया, उनको कोई बोली नहीं निकला मुंह से हैं। इतने में गोपियों ने कहा हे उद्धव जी आओ हमारे श्री राधा रानी की क्या अवस्था उसको देखो थोड़ा। तब जब उन्होंने एक जंगल में ले गए, देखा कमल फूल की सज्जा बिछा करके रखे और श्री राधा रानी उसको ऊपर में लेट हुई, शरीर में अगूर कर्पूर चंदन का लेप दी। लेकिन राधा रानी कृष्ण विरह में ऐसे विरहिणी, एक सेकंड में जो कर्पूर अगूर चंदन एकदम चुरचुर हो जाता है, जो कमल फूल को ऊपर में लेटा करके राधा रानी को रखे कमल फूल एकदम सूख जाती है इस सेकंड में। तो उसी समय में कृष्ण स्वयं एक भ्रमर बन करके आते हैं
हम राधा जी के चरणों के ऊपर बैठने के लिए कोशिश करते हैं। जब बैठने के लिए कोशिश करते हैं उसी समय में श्रीमती राधा रानी कहते, तुम कितना कपट का तुम बंधु हो, मेरे चरणों का स्पर्श मत किया करो, हम अपवित्र हो जाएंगे, लगता है तो शराब पी करके आए। बोले शराब कहाँ पियो? बोले शराब नहीं पिया, शराब तो पी करके आए। शराबी क्या होता है, कहाँ क्या करना नहीं करना इसका होश होश नहीं रहता है। बोले तुम्हारी जो साधारण लोग का दो प्यार होता है और जानवर का चार प्यार। बोले तेरे कितना प्यार? बोले छह प्यार। मतलब तो जानवर से भी गया आदमी है। और तुम्हारी देखो गोब में क्या लगा हुआ, लाल लाल दाग कहाँ से आ गया? कृष्ण जब महिषियों के साथ में मिले, कहते जब कृष्ण का बक्ष स्थल महिषियों का बक्ष स्थल में जो अगुर कुकुम वो कृष्ण का फूल की माला में लगा, और भौरा जब उसको पर बैठा उसका मुंह हो गया लाल। बोले ये कोई मनाने का तरीका है? इसलिए गोपियां तो तरह तरह से कृष्ण को उल्लाना दे रही थी राधा रानी। इसलिए उसी समय में क्यों कृष्ण क्या बोल कर गए थे, मैं आज जा रहा हूँ, कल कंस को मार करके परसों चला आऊंगा। लेकिन परसों बोल करके बरसों हो गया, बरसों हो गया, लेकिन कृष्ण अभी तक लौटे नहीं। नहीं लौटने पर कृष्ण तब गोपियों के मन में राधा रानी के मन में ये दुख है, राधा रानी के मन में ये दुख है, कृष्ण बोल कर गए अभी तक आए नहीं। और वृंदावन में रहते समय कृष्ण क्या बोलते थे, बोले हे राधे तुम्हारी सिवाय में कुछ नहीं जानता हूँ, तुम्हारी मुख है चंद्रमा और मैं तो चक्कर हूँ, जैसे एक चिड़िया है, जैसे चंद्रमा का किरण ही उसका जीवन होता है, तुम भी मेरा सर्वस्व, तेरे को छोड़कर हम कुछ जानता ही नहीं, तुम हमारे प्राण प्यारी हो। कृष्ण कितने उनको मीठी मीठी बोली बोली, कृष्ण कितने उनको अच्छी अच्छी बात बोले थे। इसलिए राधा रानी क्रोधित इसलिए हो रही है, किसलिए हो रही राधा रानी क्रोधित है? बोले कृष्ण अभी तक आए नहीं। फिर कृष्ण राधा रानी कह रही है, बोले देखो जितने काले हैं ना है? जितने काले हैं सब सब सबके अंदर में एक ही गुण है। बोले काले के अंदर में क्या गुण है? बोले एक काला सत्य युग में आया था, कौन आया था वो? कहते भगवान वामन देव आए थे, तब उन्होंने बलि महाराज के दरबार पर आए और बलि महाराज को बोले देखो मैं ब्राह्मण आदमी हूँ, ब्राह्मणों को ज्यादा लोभ नहीं करनी चाहिए, मेरे को केवल तीन पग जमीन दे दो। बलि महाराज बोले तू जैसे बौना है ना छोटा, तेरी बुद्धि भी ऐसी छोटी है, अरे तीन प्यार क्या करोगे, वैसे तो तू इतने छोटा सा और तुम्हारी प्यार भी इतनी छोटी छोटी, तीन प्यार कितना जगह होगा बताओ, तीन प्यार में कितना जगह आएगी? अरे तुम बोले देखो मैं ब्राह्मण हूँ ना, ब्राह्मण को लोभ नहीं करनी चाहिए, केवल हमें बैठी करके अपना भजन साधन संध्या नहीं करनी चाहिए, इसलिए हम केवल तीन पैर जमीन दे दो। तब बलि महाराज बोले देखो बेटा जैसे जहाँ बैठोगे, लेकिन तुम्हारा कुछ सामान भी तो होगा, कुछ सामान भी तो कहीं रखोगे कुछ, उसके लिए तो जगह चाहिए। बोले नहीं हमको तीन पैर जमीन चाहिए, ब्राह्मण को ज्यादा लोभी नहीं होनी चाहिए। बलि महाराज बोले देखो कोई बात नहीं, भूल से बोल दिया तीन पैर जमीन चाहिए, एक काम करता हूँ, मेरे पास में बड़े बड़े दैत्य लोग हैं, उनका जो प्यार है ना बड़ा बड़ा प्यार है, उनको प्यार से नगवा करके तुमको जगह दे देता हूँ, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा तो कम से कम थोड़ा कुटिया पुटिया बना करके रहोगे। बोले नहीं किसका तो मैं छुआ हुआ चीज तक भी नहीं लेता, मैं लूंगा तो अपना चरण से नाप कर लूंगा, है नाप करके ही मैं लूंगा। लेकिन उन्होंने तो बोला नाप करके लूंगा, लेकिन जब उन्होंने लिए एक पग वामन देव बढ़ाई ना, इतना बड़ा चरणों को बढ़ा दिया, भूर भुगा मोह जाना तप सत्य लोग तक पहुंच गया, पूरा प्यार सत्य लोग तक नाप लिया। और एक प्यार जब उन्होंने बढ़ाया अतल वितल तलातल सुतल एकदम पाताल लोग तक पहुंच गया, मतलब दो पग में उन्होंने पूरा विश्व ब्रह्मांड को, वामन अवतार में दो पग में पूरा विश्व ब्रह्मांड को नाप लिया। अभी तीसरे पग रखने के लिए कोई स्थान ही नहीं। इतने में भगवान ने बोले क्यों बलि, बड़ा ठीक हंग रहा था, दान दूंगा दान दूंगा, देख दो पग में तो दुनिया ले जा, बताओ तीसरे पग कहाँ रखूंगा? तो उन्होंने गरुड़ जी को बुलाया, बोले इसको नागफास बंधन में बांध दो, हैं बांध दो, हैं इसलिए नागफास बंधन में बांध दिया। तो उसे इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, कहते एक काला सत्य युग में था वामन देव, उन्होंने क्या किया तीन पग मांग करके उन्होंने त्रिभुवन को मांग लिया। कौए क्या करते हैं, तो कौवा को कोई चीज खाने के लिए दो ना,
देखना अकेला नहीं, का 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 करना शुरू कर देगा, कौवा का स्वभाव है। और देखना सारे कौवा आ जाएंगे वहां पर, सारे कौवा इकट्ठे हो जाएंगे। फिर क्या खाएगा, तो अगर सर के ऊपर में कोई चीज लेकर जा रहा, वो खाएगा तो ऊपर पे ठोकर मारेगा, उसका स्वभाव है, खाएगा और उल्टा ठोकर मारेगा। कहते ये कृष्ण है, कहते सत्य युग में एक बावन देव हुए, दो पग में त्रिभुवन तो ले लिया सबके सब, लेकर क्या किया, फिर पली महाराज को नागफास बंधन में बांध दिया भैर। मतलब ये जो काले कैसे होते हैं, कहते ये एक काला की कथा। बोले तृतीय युग में भी काला आया, बोले कौन है, बोले भगवान राम, ये भी काले हैं। ये काले ने क्या किया, वो गया वनवास, जब वनवास गया भगवान राम का जटाजुट था ना, साधु जैसे जटाजुट धारण किए थे भगवान राम लक्ष्मण। जटाजुट मतलब साधु का वेश, जो साधु का वेश है, वेश तो साधु का, लेकिन साथ साथ में स्त्री को लेकर फिर गए। जब तुमने साधु वेश धारण किया, फिर स्त्री को साथ में कोई रखते हैं साधु वेश में, स्त्री से दूर रहते हैं, लेकिन वो साधु वेश पर बिना करके गए। फिर साधु वेश में धनुष बाण उल्टा, सब कैसे उल्टा, साधु के पास में कोई धनुष बाण होता है, ये इतने उल्टा फुलटा लेकर गए। जब गए इतने में सुपर्णखा ने जब राम को देखा, वो तो पागल हो गई हैं, क्योंकि भगवान बड़े सुंदर थे, एकदम कोटि कंदर्व, उनका कोटि कंदर्व रूप भगवान की। अब सुपर्णा को देख करके तो एकदम काम में इतने मुग्ध हो गई, भले इतने सुंदर हो सकते हैं, इतने प्यारे हैं, वो देख करके कामातुर हो गई। मन मन में ना भगवान के गले में बरमाला मन मन में डाल दिया, ये मेरे पति है, हैं। फिर उसने बड़ी सुंदरी सधज करके ठन बन करके आई, बोले मेरे से विवाह कर लो, मेरे से शादी कर लो। बोले सुपर्णखा की क्या दोष था, सुपर्णखा कोई दोष नहीं, बोले क्यों, स्त्री का स्वभाव, स्त्री का क्या स्वभाव है, अगर किसी सुंदर पुरुष को देखे उसके साथ में शादी करना चाहती, स्त्री का स्वभाव है। बोले तू इतना सुंदर क्यों बना, अगर तो इतना सुंदर नहीं होता सुपर्णखा तेरे को देखना आकृष्ट नहीं होता, और तू बनकर गया इतना सुंदर, और सुपर्णखा का दोष कोई था नहीं, वो तो स्वभाव का, स्त्रियों का स्वभाव है, इसका कोई दोष नहीं था। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर तो उसको शादी नहीं करना मत करो, लेकिन शादी नहीं करना मत कर तो फिर उसका नाक कान क्यों काट दिया। एक स्त्री जितने सुंदर हो, अगर उसका नाक कान को काट दो ना, अब देखना दुनिया में उसको कोई, दुनिया में उसको कोई पूछेगा नहीं, तुम जितने सुंदर हो जाओ, उसको कोई शादी करेगा, फिर शादी करेगा, वही शादी करेगा नहीं, फिर उसका नाक कान क्यों कटवाया। इसलिए यहाँ राधा रानी कह रही है, राधा रानी कह रही है, देखो ये जितने काले ना सब ऐसे ही है। फिर वही जो काला है, तृतीय युग में भी काले ऐसे किया, द्वापर युग में भी काला किया, लेकिन फिर द्वापर तृतीय युग में, द्वापर युग में फिर कृष्ण फिर वही काला जगन्नाथ जीवन कर गया है, फिर वही काले कृष्ण फिर बन करके आए, कृष्ण बन करके फिर आ करके उन्होंने क्या किया है, फिर क्या किया, फिर भगवान राम ने बाली को बद किया, बाली को उन्होंने बद कर दिया। बाली को कैसे बद किया, सामने सामने नहीं छुप करके मारे थे, कहते जो बाली है, कहते बंदर था ना, बाली बंदर था। अब देखना बंदर को कोई नहीं मारता, व्याध भी बंदर को नहीं मारता है, क्योंकि क्यों, मतलब बंदर का मांस तो कोई खाता ही नहीं, बंदर का मांस कोई खाता है, कोई नहीं खाते बंदर का मांस। लेकिन भगवान राम ने क्या किया, उन्होंने बाली को भी बंदर को भी मारा, बोले ये कोई ये है। इसलिए राधा रानी क्या कर रही है, जो काले है ना, मतलब राधा रानी यहाँ पर ऊपर से क्या दिखती है, जैसे राधा रानी कृष्ण को निंदा कर, बोले निंदा नहीं कर रही, वो बजस्तुति, बजस्तुति मतलब होता है ऊपर से तो लग रहा है जैसे निंदा, लेकिन अंदर से राधा रानी उनकी स्तुति कर रही, राधा रानी की महिमा बता रही है। इसलिए जब से उद्धव जी वहां पर राधा रानी को पास में गए थी, तब से कृष्ण की कह रहे हैं ये काले की बात छोड़ दो, अगर और बात करना तो और कोई बात करो, वो काले का हम नाम सुनना नहीं चाहते हैं, काले का मुख देखना नहीं चाहते हैं, हैं? ये जन्म जन्मांतर से जो काले है ना, वो ऐसे व्यक्ति है, और देखो हमारे साथ में धोखे दिए। जब कृष्ण कितने प्यार किया, प्रेम हमें किया, जब हम पूछा कब आओगे, बोले परसों आ जाऊंगा, लेकिन परसों देख करके देखो कितना साल हो गया, अभी तक कृष्ण आए नहीं, अभी तक है, इसलिए आए नहीं। इसलिए तब कद जदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विमृत, इसलिए यहाँ राधा रानी कह रही, बिल खबरदार ये जो बाबा लोग है ना, इनका चक्कर में मत पड़ा करो। राधा रानी कहती है जो संत लोग है ना, इनका चक्कर में मत पड़ा करो। बोले क्यों,
बोले ये बगल में पोथी भागवत पोथी दबा करके गांव गांव में जाते हैं। बोले देखो हम कथा सुनाएंगे, भागवत कथा सुनाएंगे, किसी चीज की जरूरत नहीं, पैसा पैसा की जरूरत नहीं, केवल आओ कथा में बैठो और कथा सुनो। बस कथा सुना सुना करके उसकी कथा सुना 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 करके ना कृष्ण की कथा, खुद भी पागल है, खुद भी दुकान वकान कुछ है नहीं, पागल है और सबको भी इसे पागल बना कर घुमा दे हैं, खुद पागल और सबको पागल बना देते हैं बाबा लोग। इसलिए राधायण कहते खबरदार इनकी बात में मत आया करो, हम भी ऐसे जीवन को खोया है। राधायण कह रहे हैं हम भी वही कृष्ण की कथा सुनते 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 हमारे तन मन कण कण में कृष्ण बैठ गए, अभी कृष्ण छूटते नहीं। इसलिए कृष्ण की राधारानी कृष्ण की बदनाम करते बदनाम करते 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 जा रही थी। जब जा रही थी इतने में उद्धव जी लास्ट में पूछे, भ्रमर पूछे, बोले भैया मैं जब से आ रहा हूँ तब से तुम कृष्ण की उलाहना दे रहे हो, कृष्ण काले है, कृष्ण धूर्त है, कृष्ण शर्ट है, लंपट है, अगर कृष्ण इतने गंदा आदमी है भैया उसको बात ही छोड़ दो ना, उसकी बात छोड़ दो और भी कोई बात बोलो, फिर कृष्ण की बात क्यों बोलते जा रहे हो। तो राधा रानी कह रही यही तो बात है, यही चक्कर है, वो यही से हमारी जीवा में बैठ गया है ना, जब ये जीवा से कोई बोली आए तो कृष्ण का नाम छोड़कर के जीवा में कोई आती नहीं। ये कान को हम मना करते हैं, क्या मना करते हैं, देखो कृष्ण की बंसुरी की आवाज सुनना नहीं, सुनना और कोई बहुत सारी चीज सुनो, कृष्ण की नाम कथा उनकी बंसुरी की आवाज मत सुनो, लेकिन ये कानों में अगर किसकी कथा जाती है ना केवल कृष्ण का ही कथा जाती है। ये आंखों को हम समझाते हैं भैया काले चीज छोड़कर और कोई चीज में देखा करो काले की, लेकिन ये आंख अगर देखती है ना वो काला को छोड़कर की आंखों से और कोई चीज देखती नहीं, देखती है काले ही दिखती है, पता नहीं वो हमारी ऐसे कण कण में बैठ गया, हम चाहने पर भी हम सोचते हैं और कृष्ण की याद नहीं करेगी, कृष्ण को भूल जाएगी, लेकिन फिर देखते हैं कृष्ण सिवाय और कुछ आता ही नहीं होता है। देखो इसको ही कहते राग अनुभव भक्ति है जब भगवान, लेकिन हम लोगों का क्या स्थिति देखो, हम आनी करने के लिए बैठते हैं, पंचपात्र लेकर के गंगे से जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जल हम लेकर के आचमन करके पवित्र होकर के सोचेंगे जब हम जप करेंगे ना कृष्ण बास, केवल कृष्ण नाम का मंत्र जप करेंगे, कृष्ण को सिवाय और कुछ चीज को याद नहीं करेंगे, लेकिन देखना बस आग बंद करते हो भूर भूर करते करते पता नहीं मन कहाँ चला जाता है, आधा घंटा बाद में देखते हैं तो मन अपना काम नहीं कर रहा है, वो तो अपना काम है किसी यार दोस्त किसी कहीं कहीं पता नहीं कहाँ अपना अपना काम कहीं चल रहा है। इसलिए ये हमारी स्थिति है, हम चाहने पर भी हमें भगवत स्मरण नहीं होता है, गोपियां चाहने पर भी कृष्ण को भूल नहीं पाती है। इसलिए यहाँ पर जो कह रहे हैं कथाकार कृष्ण तोर महादस्यु, इसलिए राधा रानी कह रही है कौन कृष्ण, क्यों बोला कृष्ण कृष्ण बोलेंगे, वो महाडाकू है कृष्ण, बोले षड धूर्त कपट है, उसको कौन भजन करता है, हैं? इसलिए सुपर्णखा का नाक कान काट दिया और उसने बाली को बंद किया। इसलिए यहाँ पर श्री राधा रानी है जो राधा रानी, इसलिए यहाँ पर महाप्रभु राधा जी के भाव में विभावित होकर के ये सब बात को कृष्ण को बोल रहे, उलाहना दे रहे, मतलब ऊपर से क्या दिखाई पड़ता है जैसे कृष्ण की निंदा कर रही, बोले निंदा नहीं कर रही कृष्ण की स्तुति कर रही, कृष्ण की वो जिसको बेज स्तुति कहते हैं, ऊपर से निंदा लेकिन अंदर से की स्तुति कर रही है, है? इसलिए कहते यही सही श्री चैतन्य महाप्रभु एकदम वृंदावन का लीला में गोकुल का चिंतन में महाप्रभु एकदम आनंद में डूब जाते थे, हैं? आनंद में डूब जाते थे। इसलिए मुख्य जन बोले मात्र एक दिन अद्वैत नाचय गोपी भावे, एक दिन श्री अद्वैत आचार्य गोपी भाव में विभावित होकर के अपने आप को गोपी मान करके उन्होंने नृत्य कर रहे थे। श्री अद्वैत आचार्य उन्होंने ऐसे नृत्य करे, कहते कितने समय तक नृत्य कर, बोले दो प्रहर, मतलब है 6 घंटा तक अद्वैत आचार्य एकदम गोपी भाव से नृत्य कर रहे थे, नृत्य कर रहे, नाच रहे तो नाच रहे, उनका नाचना ही बंद नहीं हो रहा है, क्योंकि शंकर जी का भी गोपीश्वर महादेव रूप में भगवान के रास दर्शन करना चाहते थे। महाप्रभु ने कृष्ण ने किया, बोले
ये कृष्णावतार में नहीं, जब मैं महाप्रभु बन करके आऊंगा तब संकीर्तन रूपी रास में तुम्हारी प्रवेश होगा। पर हम दोनों गलबहनिया दे करके, अरे हम लोग क्या करेंगे, नृत्य हम रास में संकीर्तन रास में नृत्य करेंगे। इसलिए 6 घंटा तक नृत्य कर रहे हैं, उनका नृत्य बंद ही नहीं हो रहा है। बड़े कष्ट से श्री अद्वैत आचार्य को अरे भक्त लोगों ने शांत कराया। जब शांत कराया इतने में श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, तद महाप्रभु और श्रीवास श्री अद्वैत आचार्य कृष्ण प्रेम में बेहोश हो गए। तब श्री चैतन्य महाप्रभु आए, उनको होश कराया और महाप्रभु अद्वैत आचार्य को अपना कोल में, अपना गोद में लेकर के बैठे। तब महाप्रभु अद्वैत आचार्य को पूछ रहे हैं, बोले अद्वैत बताओ तुमको क्या चाहिए, बोलो आज तू जो मांगोगे आज मैं तुमको सो दूंगा, बताओ तेरे को क्या चाहिए। तो अद्वैत आचार्य कह रहे, बोले प्रभु एक बार आपका ये विश्व रूप को मैं दर्शन करना चाहता हूँ, हैं विश्व रूप को एक बार दर्शन कराओ, यही इच्छा मेरे मन में। बोले ठीक है अद्वैत, आज मैं तुमको अपना विश्व रूप उन्हें दर्शन कराऊंगा। और देखते देखते सचमुच से वहां पर कुरुक्षेत्र, पूरा कुरुक्षेत्र प्रकट हो गया और एक तरफ में कुरु और एक तरफ में पांडव और बीच में जैसे कृष्ण अर्जुन को जो गीता की उपदेश दे रहे थे, पूरा बीच में सुंदर रथ है जिसमें कृष्ण अर्जुन बैठे हुए। अर्जुन बैठ करके कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहा था। और इतने में जब अर्जुन किसी तरह से युद्ध करना नहीं चाह रहा है, उसी समय में भगवान कृष्ण उनको अपना विराट रूप दिखाया है। कितने नद नदी ग्रह नक्षत्र तारा चंद्र सूर्य विश्व ब्रह्मांड उन्होंने अद्वैत आचार्य को दर्शन करा दिया। जब विश्व रूप दर्शन करा रहे थे, बोले अनंत ब्रह्मांड रूप देखे सही गणे, चंद्र सूर्य सिंधु गिरी नदी उपवने, कोटि चक्षु बाहु मुख देखे पुनः पुनः सन्मुख देखे स्तुति करे न अर्जुन। उन्होंने सब कुछ उन्होंने दर्शन किया, अर्जुन कैसे स्तुति कर रहा है, अनंत ब्रह्मांड कैसे उनको शरीर में विद्यमान, कैसे चंद्र सूर्य सिंधु गिरी नदी कोटि चक्षु बाहु, उन्होंने सब कुछ उन्होंने विश्व रूप में दर्शन किया। जब दर्शन करा रहे थे इतने में कहते नित्यानंद प्रभु सर्व अंतर्यामी, इतने में श्री नित्यानंद प्रभु दौड़ दौड़ करके आए हैं। नित्यानंद प्रभु दौड़ दौड़ कर आए, बोले महाप्रभु विश्व रूप दर्शन करा रहे अद्वैत को, मैं दर्शन नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने आकर दरवाजा में धक्का मारे, खूब दरवाजे में पिटाई कर धक्का मारे, बोले दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो। इतने में जब दरवाजा खोले अरे श्री नित्यानंद प्रभु आए, बोले अनंत ब्रह्मांड रूप नित्यानंद देखे दंडवत हैया पड़िला पूजिया की। अनंत ब्रह्मांड रूप को श्री नित्यानंद प्रभु दर्शन करके उन्होंने क्या, उन्होंने दंडवत किया, दंडवत करके एकदम आध बंद करके वहीं पर गिर पड़े। बोले जे तुम्हारे प्रीति करे मोहि सत्यतार, तुमा वही प्रियतम नाही को आमार। तब महाप्रभु कह रहे श्री नित्यानंद प्रभु को, बोले नित्यानंद जो व्यक्ति तुम्हें प्रीति करता है, जो व्यक्ति तुम्हें प्रीति करता है वो मुझे भी प्रीति करना है, और जो तुम्हें प्रीति नहीं करता है वो कभी मेरा प्रिय नहीं। इसलिए नित्य करुणा हवे ब्रजे राधा कृष्ण पावे। इसलिए नित्यानंद प्रभु को कृपा के बगैर कोई भी महाप्रभु को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, हैं? इसलिए वहां पर वहीं पर से नित्यानंद अद्वैत आचार्य महाप्रभु इन लोगों ने आपस में बड़े सुंदर वार्तालाप और उन्होंने प्रेम कलह वहां पर किए। बोले ऐसे ही कहते उसको बाद में आता है पंचवींश अध्याय, कहते इसी अध्याय में बोले मध्य खंड कथा भक्ति रसेर निदान नवती पे जे क्रिया करिला सर्व प्राण, जत क्षण प्रभुर आनंद नृत्य है तत क्षण दुखी पुण्य बती जल वहे। कहते जो मध्य खंड जो कथा है वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं, जिसमें विशेष विशेष करके भक्ति की महिमा जिसमें गाई गई है और महाप्रभु कैसे श्री नवद्वीप धाम में कैसे महाप्रभु क्रीड़ा करते हैं, वो क्रीड़ा को विषय पर मध्य खंड कथा में वर्णना किया है। तथा जब श्री चैतन्य महाप्रभु जब श्रीवास पंडित जी के घर में नृत्य कीर्तन करते हैं, श्रीवास पंडित जी के घर में एक उनकी दासी थी जो दासी घर में काम करती थी,
हैं। कहते वो दासी का काम क्या थी, बोले दासी का काम है महाप्रभु जब नृत्य कीर्तन के बाद में महाप्रभु स्नान, उनका महाभिषेक होता था, स्नान करते थे। लेकिन स्नान किसमें करते थे, बोले गंगा पानी में। इसलिए उनकी घर में एक सेविका थी, वो क्या करती थी, वो गंगा से कलश में पानी को भर भर करके लाती थी और ला करके एकदम लाइन करके बड़े सुंदर सजा करके रखती थी। बोले क्यों, महाप्रभु उसमें स्नान करेंगे। जब महाप्रभु ने कभी बीच बीच में क्या करती थी, महाप्रभु का नृत्य कीर्तन दर्शन करती थी और पानी लाती थी। इतने में श्रीमन महाप्रभु ने इतने में बीच में पूछा, बोले भैया ये कौन है जो इतने घड़ा में पानी भर करके लाती हैं और सुंदर रूप में सजा सजा करती, ये कौन है महाप्रभु प्रश्न किया। जब प्रश्न किया बोले श्रीवास बोले प्रभु दुखी बहिया ने। तो उन्होंने बोले ये कलश के कौन पानी, बोले प्रभु ये दुखी भर करके लाती है सजा कर रखती है। महाप्रभु जब बोले, बोले क्या नाम, बोले दुखी। महाप्रभु सुन करके बोले दुखी, प्रभु बोले सुखी करी बोलो सर्वजने, ये दुखी नहीं आज से उसको क्या बोलो सुखी, जो क्या बोलो सुखी बोलना उसको, कोई दुखी नहीं बोलना। बोले क्यों, देखो खुद घर की नौकरानी थी, घर की नौकरानी साधारण रूप में जो नौकरानी लोग होते हैं उनका ऐसे ही, इसका नाम दुखी, कोई दुख कष्ट से जन्म हुआ घर में बड़े दुख कष्ट में पल्ले पोसे, जैसे हमारे श्यामानंद प्रभु का नाम क्या था, दुखी कृष्णदास नाम था, ऐसे ही नाम रख लेते हैं। लेकिन जहाँ भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु कीर्तन को बाद में जहाँ भगवान स्वयं जिस पानी से स्नान करते हैं और वो पानी को जो ला ला करके सजा सजा कर रखे, वो कोई साधारण भाग्य है। साधारण भाग्य से कोई पानी ला सकता है क्या, साधारण भाग्य से भगवान सभी की सेवा को स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए भक्त द्रव्य प्रभु गाड़ी गाड़ी खाए, अभक्त द्रव्य प्रभु उलट ही ना चाहे। भक्त का वस्तु भगवान जोर जबरदस्ती ग्रहण करते हैं, लेकिन अभक्त का वस्तु लौट करके भी फेर करके भी महाप्रभु नहीं देखते हैं। इसलिए महाप्रभु प्रसन्न होकर के जहाँ सख्यात जगन्नाथ जी स्नान करके जिसे पानी को कोई लाए है, इसलिए कहते नहीं उसका नाम आज से दुखी नहीं, क्या नाम है सुखी। जब महाप्रभु का नाम सुखी नाम दिया ना, सुनते ही जितने भक्त लोग थे सबके सब रोने लग गए हैं, सबके सब रोने लग गए दासी। तब से जो श्रीवास पंडित अभी वो घर की नौकरानी थी, काम करती थी, लेकिन महाप्रभु जब उसका नाम सुखी नाम रख दिया, तब से श्रीवास पंडित उसको और दासी रूप में नहीं देखती थी, नौकरानी रूप में उसको नहीं देखती थी। भगवान उसका नाम सुखी नाम रखे महाप्रभु। हाँ, इसलिए प्रेम जोगे सेवा करी ले कृष्ण पाए, माथा मुड़ाई ले जब दंड नड़ाए। देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं कहते भगवान को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कहते भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं प्रेम जोगो सेवा कर ले कृष्ण पाए। जो व्यक्ति भगवान की सेवा बड़े प्रेम पूर्वक करते हैं, कैसे करते हैं, उनको प्रेम पूर्वक जो सेवा करते हैं, ड्यूटी रूप में नहीं, नहीं अरे मंदिर में रहना है ना, रहना तो कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो बोलेंगे मठ से निकल जाओ, कुछ करते हो नहीं है, ऐसे नहीं। इसलिए सेवा कैसे करनी चाहिए, भाव से प्रेम से भगवान को सेवा करनी चाहिए। क्यों, भगवान के अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड, कितने लक्ष्मी कितने ब्रह्मा कितने शंकर कितने लोक में भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की किसी चीज की कमी नहीं। लेकिन भगवान जिसके वस्तुओं को ग्रहण करते हैं वो बड़े सौभाग्यवान है, बड़े सौभाग्यवान है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि देखो प्रेम जो को सेवा कर ले कृष्ण पाई, कृष्ण तभी मिलेंगे जब हम प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा करेंगे। बोले माथा मुड़ाई ले जब दंड नाड़ा है, अगर कोई सोचे नहीं हम तो सर को मुंडन कर दिया, चोटी तिलक गला में कट्टी और साधु बन गया, त्यागी साधु बन गया, हो गया, बोले नहीं। कहते हैं बोले माथा मुड़ाई ले जब दंड नाड़ा है, अगर कोई सोचे हम मुड़ मुड़ा देने पर अरे हमारा कौन करेगा, हम तो साधु बन गए, हमारा कुछ होने वाले नहीं, बोले नहीं।
माथा उड़ाए जमदंड नायड़ा है। केवल अगर साधु का बेस ले लिया, लेकिन साधु का बेस लेकर के अगर हम कुकर्म करें, साधु का बेस लेकर के अगर कुकर्म करें, भगवान की भक्ति नहीं करें, कहते भैया जमदंड से हम मुक्ति नहीं पार कर सकते। इसलिए हमें भगवान की भक्ति करना पड़ेगा, निष्काम होकर की भगवान की निष्कपट रूप में साधु गुरु वैष्णव भगवान की हमें सेवा करनी पड़ेगी, तभी तो भगवत हमें प्राप्त हो सकते, मुड़ मुड़ाने से नहीं होगा। भगवान केवल प्रेम को द्वारा संतुष्ट होते हैं, कुल से नहीं, रूप से नहीं, धन से नहीं, विद्या द्वारा नहीं है। इसलिए भगवान केवल प्रेम बस चैतन्य गोसाई, भगवान केवल प्रेम को द्वारा वशीभूत होते हैं। इसलिए यहाँ पर वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं, श्रीवास पंडित घर में जो दासी जिसका नाम थी दुखी, महाप्रभु क्या नाम रखे, दुखी नहीं, इसका नाम सुखी। अगर श्रीवास पंडित घर में दासी की अगर इतने सौभाग्य हो सकता है, लेकिन इस श्रीवास पंडित कितना सौभाग्य नहीं होगा। श्रीवास पंडित हैं, वो कितने सौभाग्य नहीं होंगे जिसके घर में दासी को महाप्रभु ने दुखी को सुखी नाम रख दिया। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं उनके घर में जो श्रीवास पंडित है, उनकी जो पत्नी है, उनके जो बच्चे हैं, कहते उनकी सौभाग्य तो हम बता ही नहीं सकते। क्यों? महाप्रभु रोज जिनके घर में संकीर्तन रूपी रास करते थे, हरि कीर्तन करते थे, इसलिए उनकी श्रीवास पंडित का सौभाग्य अनंत सौभाग्य है। हम कल फिर सुनेंगे कैसे श्रीवास पंडित का जो एक लोग का बेटा था, वो बेटा ने कैसे शरीर छोड़ा, लेकिन बेटा शरीर छोड़ने पर भी एक ही बेटा था, लेकिन महाप्रभु साक्षात रूप में कीर्तन कर रहे हैं, उसी समय में उसी बेटा ने शरीर छोड़ा, लेकिन छोड़ने पर भी श्रीवास पंडित दुखी नहीं हुए, महाप्रभु का नृत्य कीर्तन में और जोर जोर से नाच रहे थे। और लास्ट में कैसे महाप्रभु कृपा करके बोले, श्रीवास तुम्हारी एक बेटा था ना, एक बेटा चला गया, आज से हम तुम्हारे घर में तुम्हारी दो बेटे बन जाएंगे। कौन है? एक मैं हूँ और एक श्री नित्यानंद प्रभु, हम आज से हम तुम्हारे दो बेटे बनेंगे। कल ये प्रसंग को हम लोग ये प्रसंग को कल सुनेंगे। बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, बोले श्री श्रीवास पंडित की, निताई गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 हरे
राधा गोविंद गोपीनाथ मदन विजय।